अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना टाइम विलाग। तो आज जल्दी जल्दी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं भाई जान। अभी अभी सामान उठाया और गाड़ी में लगाया फटाफट करके, और अपने टूर पे निकलते हैं। आज जो हमारी सप्लाई है डेजर्ट का एरिया है, वो हमारे तकरीबन इस चौक आजम से तकरीबन 25-30 किलोमीटर के फासले पे, वहाँ पे हम जाएंगे और आज की मार्केटिंग हम मुकम्मल करके आएंगे। अभी एक भाई की कॉल आई है, उसका सामान उठाना है। मैंने एक दूसरी शॉप से दो ऐड में थी, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो वो वहाँ जाके उस शॉप से जाके देते हैं। तो सबसे पहले जब कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने टूर पर। गाड़ी हमारी वो सामने खड़ी है और भाई नासिर यहाँ पे अभी सफाई सफाई में मसरूफ़ है। तो जी गाड़ी हमारी ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाबी इसमें पहले से ही लगा के रखी हुई है मैंने, अभी इसको करते हैं स्टार्ट अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलते हैं भाई की दुकान पे, वहीं पे जाके मिलते हैं और उनसे दो ऐड में वो उठानी है, वो जल्द उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है, कैसी तबीयत है, ठीक है, फिट है? जिसको पता नहीं टोपी किसने दे दी है भाई, आप सड़ क्यों रहे हो भाई, अल्लाह की उसने दी है। और ये सड़ नहीं रहा पठान, और क्या कर रहा हूँ, पठानों ने कब से टोपी लेना शुरू कर भाई जान। भाई अब हम भी अप टू डेट हो गए हैं भाई, आप लोग उनके साथ रहते रहते हुए खरबूजे को देख के हमने भी रंग पकड़ लिया भाई जान। आप भी कच्छे पहना करें। हाँ कच्छे पहनेंगे, इस तरह वाले जिस तरह आपने पहना हुआ है, इस तरह का छोटे छोटे कच्छे पहना, गर्मियाँ हवा अंदर से अच्छी आती है, वाह वाह क्रॉसिंग अच्छी हो जाएगी, अच्छी क्रॉसिंग अच्छी हो, सिस्टम ठंडा रहेगा, जितना माहौल ठंडा हो गर्मी नहीं लगे। अच्छा चलो करते हैं कोई इस तरह। अस्सलाम वालेकुम भैया, यार दो सीडीआई यूनिट चिंची मिल जाएंगे, जल्दी दे यार। तो चिंकी ये यूनिट हमें मिल गए हैं, अभी यहाँ से लेते हैं ये वाले दो यार कोई, चलो अच्छा इसको वैसे मैं ले जाता हूँ। तो अभी निकलते हैं अपने टूर की तरफ। तो दोस्तों शहर से हमने 40 किलोमीटर का भी सफ़र किया है और मौसम जो है इस वक्त गर्मी काफ़ी शदीद है, और इस गर्मी में पिकअप पे सफ़र करना या मार्केटिंग करना कोई आसान काम नहीं होता। तो अभी हम निकले हैं काम के लिए, तो इस वक्त रास्ते में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और रोड भी काफ़ी सुनसान है। ये देखें आपको कोई बंदा भी रोड पे आपको नज़र नहीं आएगा। अभी जो है ना थोड़ा सफ़र करेंगे, उसके बाद जो है डेजर्ट का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा डेजर्ट एरिया का व्यू चेक करवाएंगे। अभी जो रास्ते का सीन है बड़ा प्यारा है, मुझे जो आपस में मिल जाते हैं ये देख सकते हैं व्यूअर्स। ये साइड पर जितने भी हैं आप देख रहे हैं ना फसल, ये जो है तिल की फसल है और इस भाई ने काफ़ी रकबे पे जो है ना फसल लगाई हुई है। तो व्यूअर्स आगे चल के ना हमारा एक छोटा सा स्टॉप आने वाला है, उस स्टॉप पे हम ब्रेक लगाएंगे और भाई से पूछेंगे एक दो दुकानें उनको सामान देना, सामान दे के फिर हम आगे डेजर्ट के एरिया में निकलेंगे, तो वहाँ का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हमारी वीडियो को स्किप ना किया करें भाई जान, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम लोग हैं, अगर आप लोगों को सपोर्ट होगी तो हमें खुशी मिलती है और हमें भी नई नई वीडियो बनाने का शौक़ होता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आए। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हैं, तो फिर काफ़ी दिल को दुख पहुँचता है। तो मैंने भी काफ़ी चैनल बनाने के बाद ये वाला जो चैनल है स्टार्ट किया है, मैंने कहा भाई दिल नहीं आ रहा था, पहले कई दफ़ा मैंने स्टार्ट किया लेकिन वो दिल छोड़ जाते थे यार, हमसे काम नहीं होता था। लेकिन अभी मैंने जो है ना फुल चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लॉग अच्छे से अच्छे बना के आप लोगों को दिखा सकूँ। तो इन्होंने रिक्शे पे देखें कैसा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये है जी इनका रिक्शा, इस पर भी ये मोटरसाइकिल पार्ट्स की सप्लाई करते हैं। हाल बाबा जी यहाँ पे अपने भेड़ बकरियों को लेके रोड के साथ इसको चरा रहे हैं, क्योंकि यह घास यहाँ पे अच्छी खासी है तो इनका भी यहाँ पे गुजारा हो जाएगा। यकीन माने इस रोड पे ना ये वाला व्यू जो है ना मुझे बहुत ही मज़ा देता है, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ये दरख्तों का आपस में मिल जाना ऊपर से और दरमियान में से जो रास्ता आता है ना उसका व्यू जो है, बस आपको क्या बताऊँ कि कितना मज़ा करता है।
तो व्यूअर्स आगे चल के ना हमारा एक छोटा सा स्टॉप आने वाला है, उस स्टॉप पे हम ब्रेक लगाएंगे और भाई से पूछेंगे कि दो दुकानें हमको सामान देना, सामान दे के फिर हम आगे डेजर्ट के एरिया में निकलेंगे, तो वहाँ का व्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर इस शॉप पे मैं रुका था, अभी अभी इनको सामान मैंने उतार के दिया, इनका सामान जो है ना गाड़ी की बैक साइड पे मैंने रखा हुआ है, तो अभी उनका सामान उठा के इनकी दुकान पे रखते हैं और इनका बनाते हैं बिल और इससे आगे फिर अपना सफ़र जारी करेंगे। सामान इनका ये वाला मैंने अभी निकाला है, सारा सामान जो जो उनके आइटम चाहिए थे वो मैंने निकाल दिया और बाकी जो सामान था मैंने दोबारा गाड़ी में लगा दिया, तो अभी इनका ये सामान रखते हैं इनकी शॉप पर, फिर चलते हैं अपने टूर पर, इंशाल्लाह मिलते हैं आगे चल के। दोस्तों मैंने पिछले स्टॉप पे अभी सामान दिया और वहाँ से निकला हूँ, तो अब जो मेरा सफ़र है ना वो डेजर्ट का शुरू हो चुका है, आगे जितना भी सफ़र होगा वो रेतले इलाके में होगा और आपको कहीं भी रास्ते में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हर तरफ आपको रेत के टीले ही नज़र आएंगे, लेकिन अब आबादी काफ़ी हो चुकी है, कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई इन इलाकों में, तो पहले आप ये देखते थे कि रोड के ऊपर जो है ना रेत आ जाती थी हवा के साथ, लेकिन अब आबादियाँ यहाँ पे भी शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त जो है ना मैं डेजर्ट के एरिया में जो है दाखिल हो चुका हूँ, आपको थोड़ा सा शहर का व्यू दिखाता हूँ। अब ये सामने देखें ये बिल्कुल खाली आपको नज़र आएगा और इस तरफ भी आकर देखें तो ये भी डेजर्ट का एरिया है और यहाँ पे लोग कुछ इस तरह सफ़र करते हैं, ये आप देखें एक छोटी सी मोटरसाइकिल पे इसके ऊपर वो रेडी सी डाल के इसके ऊपर कितने लोग बैठे सफ़र कर रहे हैं और इस पे यहाँ पे लोग इसी तरह ही सफ़र करते हैं। और अब तो यहाँ पे थोड़ी सी तरक्की होती जा रही है, ये आप बाहर देख रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा जदीद होता जा रहा है, अब सोलर पैनल जब से आ गए हैं तो इन लोगों ने ड्रिप सिस्टम के ज़रिए यहाँ पे बाग भी शुरू हो चुके हैं और इस तरफ ये वाला जो बाग है ये भी सोलर पे है और अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि फ्रंट पे इन्होंने दरख्त लगा दिए हैं और सड़क जो है ऊपर नीचे चलती है जिस तरह आप पहाड़ी एरिया में घूम रहे हो, और इस तरफ भी ये देखें इन्होंने आगे फ्रंट से ना ये लगा दिए दरख्त और सामने ये बाग है खजूरों का भी और माल्टे का भी। अभी गर्मियों का सीज़न है तो इस एरिया में जब दाखिल होते हैं तो यकीन माने इतनी गर्मी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस एरिया में कितनी गर्मी होती है, ऊपर से हमारे पास पिज्जा का घर और पिज्जा भी यहाँ कैरी बदाम वगैरह चलाते हैं, उनको पता होगा कि नीचे से कितनी गर्मी लगती है, एक दिन के ऊपर बंदा बैठा होता है तो यहाँ पर गर्मी का सीन कुछ ऐसा हो जाता है। अभी ये सामने मैं आपको ट्रक दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इतने लोड किए हुए हैं, अब इनको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, इतना इसमें ना थोड़ी जो भूसा है ना ये उसके लोड हैं। अभी ये जाएंगे किसी और सिटी में, आप देखें ये सामने वाला ट्रक देखें इसकी क्या कंडीशन, कितनी लोडिंग है इसके ऊपर, बड़ी मुश्किल से ये चल रहा है। एरिया चेक करें, इसमें भी दरख्त लगा दिए हैं, ठीक है ना, ये भी डेजर्ट ही है और इस तरफ का जो आप चेक करें, लोग अपना अपना काम शहर में से ख़त्म करके तो जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। बाहर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है दोस्तों, तो कुछ मोबाइल मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला लेकिन संभालना मुश्किल हो गया, अब इस बाइक को देखें इसके ऊपर भी छत पे भी लोगों को बिठाया हुआ है, फिर नुकसान होगा। और इस एरिया में ना दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे काश्त होता है चना, अब चने की फसल तो ख़त्म हो चुकी है और ये रकबे अभी हैरान पड़े हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इस तरफ अगर आप देखें ये भी बिल्कुल खाली पड़े हैं और इस साइड वाले भाइयों। अभी ये जो दीवार बनाई है, दीवार बनाने का मकसद रोड के साथ ये था कि ये जो मिट्टी है हवा के साथ गर्दिश करती रहती है तो इसको रोका जा सके, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए। तो ये है जी डेजर्ट का और यहाँ पे है
सामने देखें जी, इस पूरे एरिया में आपको कोई बंदा नहीं नजर आएगा, रोड खाली सुनसान है। अभी 12 बजे हैं दिन के, देखें रोड आप देखें, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इस तरफ का व्यू देखें, कुछ नहीं है, इस तरफ देखें कुछ नहीं है, बस आपका भाई यहाँ पे सफर कर रहा है और अभी अगले सिटी में जाके था पहुँचेंगे थोड़ी देर तक। तकरीबन हमारा सफ़र रह चुका है 10 से 12 किलोमीटर, और 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र करेंगे इसी तरह, और आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। रोड की ये खूबसूरती, खाली रोड कुछ भी नहीं है हर तरफ। तो व्यूअर्स, मैं नेक्स्ट सिटी में दाखिल हो चुका हूँ और यहाँ पे आज की मार्केट करते हैं। ये है जी चौबारा सिटी, तो हम ब्रेक लगाएंगे यहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे और अच्छे दुकानदार उसके साथ। तो हम नेक्स्ट सिटी में पहुंच चुके हैं और भाई को अभी सामान देंगे, इनसे पूछते हैं इनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो इनको निकाल के देते हैं। तो व्यूअर्स, इनको हमने जो जो इनको आइटम चाहिए थी वो हमने इनको दे दिया और सामान ये अपने रैक में लगा लिया है, और बिल भी जो था वो भी हमने इनसे क्लियर कर लिया, पेमेंट हो चुकी है और बिल बुक हमारे यहीं पे भूल जाएंगे, उसको भी उठाते हैं और निकलते हैं, अपनी वापसी का रास्ता पकड़ते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले आइकॉन को प्रेस करके आप पे क्लिक करते हैं ताकि आपको इस तरह की मज़े मिल सके। तो